यहाँ जो काउंसिलर बैठकर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, इनको बंद करें और गरीबों के साथ ना खेले। मेरा एक सवाल है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन आखिर क्यों? इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अब नीलोफर इस वार्ड में उतरी हुई है। आप लगातार देख रहे हैं कहीं भी इल्लीगल हो रहा है, मैं दौड़कर जा रही हूं उसको रोकने के लिए। जब से मैंने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठाना चालू किया है, तब से मेरे ऊपर तरह तरह के केस लादे जा रहे हैं, मगर मुझे इसका डर नहीं, क्योंकि विदाउट काउंसिलर विदाउट थाना कैसे ईटा लग गया? तो क्या इनके सरपरस्त मोहम्मद जसीमुद्दीन है? क्या इसका सरपरस्त थाना है? मेरी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं है, मुझे जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। अरे ये इस पे मैंने तोड़ने के लिए हाई कोर्ट किया है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि हमने जब हाई कोर्ट किया, हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया, मामला दर्ज होने के बाद भी हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हाई कोर्ट का भी डर नहीं है किसी के दिल में। देखिए, मैं एक बार मेयर साहब को ये कहना चाहूंगी कि एक बार गौरे नजर गौरे फिक्र 39 नंबर वार्ड में भी करें। और इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हुए चलें कि महानगर कोलकाता के 39 नंबर वार्ड की नीलोफर इंशा ने लगाया काउंसिलर जसीमुद्दीन और लोकल पुलिस स्टेशन के ऊपर इल्लीगल प्रमोटिंग का इल्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, इल्लीगल प्रमोटिंग के खिलाफ खड़ी हुई नीलोफर इंशा, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल की सेक्रेटरी और जानी मानी सोशल वर्कर भी हैं। दरअसल 4H/1 शंभू चैटर्जी स्ट्रीट कोलकाता 707 में स्थित प्रॉपर्टी पर जो मुकदमा चल रहा था, पिछले 3 साल से इस केस को कोर्ट में घसीटा जा रहा था, परंतु अभी तक इसके खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया और पुलिस प्रशासन ने भी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कहना ये था मेरे दोस्तों कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इससे पहले भी कई बार मीडिया के जरिए अपनी बातों को हर एक के सामने पहुँचाना चाहिए। तो आपको याद होगा कि मैंने एक मकान में बुकिंग एग्रीमेंट किया था 24 फरवरी 2020 को, जिसमें हमने ऑलरेडी वाहिदुद्दीन नाम के एक प्रमोटर को 15,20,000 रुपया टोटल दिया था। सबसे पहली पेमेंट मेरी 14 लाख रुपया है, उसके बाद में 1,20,000 रुपया है। तो इस पैसे के लिए हम एक दो बार नहीं बल्कि काफ़ी बार पैसे के लिए हम दौड़ रहे हैं, मगर आज तक हमसे ये कहा जाता है कि आपका पैसा मिलेगा, मगर अब तक मुझे पैसा नहीं मिला। मगर आज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलाई हूँ, इसके पीछे भी एक ये है। मैंने जब ये मुझे पता चला कि ये मकान इल्लीगल है, जो मैं लगातार मीडिया से कह रही थी, मुझे मालूमात नहीं था कि मकान इल्लीगल है। जब एग्रीमेंट के बाद में ये पता चला कि ये मकान इल्लीगल है, तो मैंने डीजी बिल्डिंग, OC, आपका काउंसिलर, सबको मैंने इसके बारे में चिट्ठी दिया। चिट्ठी देने के बाद में उसके बाद में मैंने डेमोलाइज के लिए, यानी कि बिल्ड मकान इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है 39 में, इसको तोड़ने के लिए मैं हाईकोर्ट का दरवाज़ा मुझे मजबूरन खटखटाना पड़ा। जब मैं मुझे इस बात का बहुत ही दुख है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 30 जनवरी, हमारा ये डेट आया है 30 जनवरी, हमारा फर्स्ट हियरिंग का डेट था, जो हाई कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट भी हो गया और कॉज लिस्ट में भी आ गया, हमारा अपीयर्स भी हो गया। तो इसके बावजूद अभी मुझे ये सुनने में आ रहा है कि वो जो मकान है, उस मकान की सीढ़ी बनाई गई, उस मकान में रेलिंग लगाया गया, उस मकान में पानी चढ़ाया गया, उस मकान के टेरेस को सफाई की गई। तो हमारा ये कहना है कि भाई, आप जिस मकान को सजा रहे हो और हम जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए हमने ये अर्जी हाईकोर्ट में डाला है, तो आज मैं ख़ुद एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या 39 नंबर वार्ड के अंदर जो लोग इल्लीगल कर रहे हैं, उन्हें हाईकोर्ट का डर नहीं, हाईकोर्ट का खौफ नहीं? ऑनरेबल हाईकोर्ट के भी केसेस को ये मान लीजिए कि हमने अभी केस दर्ज किए हैं, फैसला क्या आएगा आपको भी इंतज़ार करना है, मुझे भी इंतज़ार करना है। मगर मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट जब कोई भी फैसला लेता है तो वो बाकायदा नोटिस करता है। तो प्रमोटर को ऑलरेडी नोटिस दिया गया है, जिसका ट्रैक आईडी रिपोर्ट हमारे पास है। जमील अख्तर यानी लैंडलॉर्ड को नोटिस किया गया है, जिसका ऑलरेडी ट्रैक रिपोर्ट मेरे पास है। तो इसके बावजूद आज जो यहाँ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं इन लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट का डर इनके दिलों में नहीं, या ये नहीं पता है इनका पावर इतना ज्यादा है कि ये हाई कोर्ट को भी रद्द कर देंगे, हाई कोर्ट की बात को भी नहीं मानेंगे। इस वजह से क्या वहां पे प्रमोटिंग अभी भी चालू है? आप बहुत सी देखिए, यहाँ के जो कर्ता धरता है, सबसे पहले मैं कहूंगी वो हमारी ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं खुद भी एक तृणमूल कर्मी हूँ, उनकी सिपाही हूँ, मगर दीदी के आइडियल पर चल के हमने सच बोलना सीखा है।
गलत के आगे खड़ा होना सीखा है। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, हमने अपने काउंसिलर, आपकी बातों को मैं समझ रही हूँ कि आप कहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आप जितने तमाम मीडिया हैं मुझसे खुल के बात करें, क्योंकि हमारी पार्टी के जितने बड़े लीडर सीनियर लीडर है वो जानते हैं नीलोफर सच बोलने से घबराती नहीं है। तो ये जो जसीम मामा है, जो यहाँ के ऑनरेबल काउंसिलर हैं 39 वार्ड के, इन्होंने मुझसे वादा किया था, बल्कि इन्होंने खुद कहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग को रख लो, जब तक तुम आवाम का पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ एक ईटा भी कंस्ट्रक्शन करने नहीं देंगे। तो आज मेरे अंदर ये बात खुद भी बार बार आ रहा है कि हमारा पैसा नहीं मिला है, और सबसे बड़ी बात कि हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे कोई भी शख्स आपके द्वारा हो, किसी के जरिए हो, मुझे ये पता चले कि क्या हाई कोर्ट का डर इन लोगों के दिलों में नहीं। खुल के कहती हूँ, मैं इस बात को खुल के कह रही हूँ, क्योंकि जिसके साथ दिखता है होता है वही जानता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ, बल्कि आप अपने मीडिया पे चलाइए, मुझे रिकॉर्डिंग मिला है कि जब तक तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे कोई भी काम नहीं। अस मेरा एक सवाल है, इलीगल कंस्ट्रक्शन आखिर क्यों? इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अब नीलोफर इस वार्ड में उतरी हुई है, आप लगातार देख रहे हैं कहीं भी इलीगल हो रहा है, मैं दौड़कर जा रही हूँ उसको रोकने के लिए। बल्कि आपको याद होगा 116 MG रोड, मैं इसके लिए भी हाईकोर्ट कर बैठी हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर खुद एक्सटोशन मनी लगा था 10 लाख रुपया, जिसको सिटी सेशन अनरेबल कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बेल दिया कि नीलोफर का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर आप कहेंगे, मैं वो भी पेपर आपको देने के लिए तैयार हूँ। जब से मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना चालू किया है तब से मेरे ऊपर तरह तरह के केस लादे जा रहे हैं, मगर मुझे इसका डर नहीं। देखिए, मुझे प्रॉब्लम जब किसी को होता है तभी वो आवाज़ उठाते हैं, हमारा सिंह नहीं फूटा कि मैं आवाज़ उठाऊँ, ठीक है। मगर ये है कि आज 15 लाख रुपया मायने रखता है, 15 लाख के साथ साथ एक बात मुझे बहुत चुप सा गया, जब एक घर में पोछा मारने वाली औरत को ये कहा गया है, उसके पैसे को लेकर वाहिद और शकील अख्तर ये लोग, उन लोगों का भी पैसा रखा और बोला नीलोफर का नाम सुनी हो, TMC पार्टी करती है, उसका पैसा जब हम लोग मार लिए तो तुम क्या चीज़ हो। मैं खुद के लिए पहले आवाज़ नहीं उठाई, मैं एक गरीब अबला नारी के लिए उठकर आप लोगों के सामने मीडिया में पहले भी आई थी, और मेरे ख्याल से अभी तक उन लोगों का पैसा भी नहीं मिला है और हमारा भी पैसा नहीं मिला। जी 100 में 100 बोलिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 100 में 100, मगर सवाल है बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आप बांध रही है ना? अगर नीलोफर उठी है तो नीलोफर को फिर बैठाया जाएगा। अब मुझे इस बैठाने के लिए लोग लगातार जोरदार कोशिश में हैं। आप बहुत बड़े समय क्या कहेंगे? इल्ज़ाम लगाना और होता है साबित करना और होता है, मैं साबित कर रही हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं साबित कर रही हूँ। साबित इसलिए कर रही हूँ कि अभी आपको मैंने मैं एक पेपर दिखा दूँ, ये पेपर देख लीजिए आप, ये जमील अख्तर, देखिए यहाँ पे सिटी सेशन जमील अख्तर 2019 में जो लैंडलॉर्ड है वो बेल लेते हैं सिटी सेशन से, 2019 का ये वाकया है। ये कागज़ मैं खट के बाकायदा पैसा लगा कर निकाली हूँ, ये कोर्ट का कागज़ है, कोई नीलोफर के हाथ का लिखा नहीं। ये इस पे जज जो है सिटी सेशन के ऑनरेबल जस्टिस, इनको ये कह रहे हैं जब एक तल्ला यानी कोलकाता कॉरपोरेशन ने 401A किया था तो जमील अख्तर इसमें जाकर बेल ले रहा है, तो जज ये कह रहे हैं कि आप फर्दर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप अपने मकान को किसी प्रमोटर को देते हो तो आप एक पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं, पावर ऑफ अटर्नी बनाकर आप प्रमोटर को पावर देते हो। तो जब आप प्रमोटर को पावर देते हो, मगर यहाँ पे इस रिपोर्ट पे जज का ऑर्डर पे लिखा है कि जमील अख्तर जो है जॉइंटली कंस्ट्रक्टेड है, यानी जॉइंट प्रमोटर है वो। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, ये पेपर से साबित हो रहा है, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता है। मैं बहुत अच्छा बोलने वाली नहीं हूँ, मैं आपको लिखित दिखा रही हूँ। पैसा तो अच्छे अच्छे को उसको देना पड़ेगा, उसके बाप को भी देना पड़ेगा पैसा। या मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने किया है, कल को अगर आप मुझसे कल आकर ये सवाल करेंगे कि नीलोफर आप तो एक पब्लिक के दिलों में रहती हैं, जब आपको पता चला कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का आपने क्या किया इलीगल के लिए, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने तोड़वाने के लिए ये ऑलरेडी दर्ज कर दिया, ये हुआ एक बात। और दूसरा रह गया मेरा खुद का पैसा, उसके लिए मैंने बाड़ी वाले को ऑलरेडी डिमांड नोटिस दिया है, जिसका जवाब अब तक उन लोगों ने मुझे नहीं दिया है। देखिए, मैं आज जो आप लोगों के सामने आई हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे दिल के अंदर नाराज़गी है काउंसिलर को लेकर, क्योंकि एक काउंसिलर यानी कि वार्ड का कमिश्नर होता है,
और जब हम लोग बहुत नाकाम हो जाते हैं तो हम लोग काउंसलर के पास ही जाते हैं। तो हम भी काउंसलर को ऑलरेडी एक रोज़ कॉल किए थे, उन्होंने मुझे एक हफ्ते का वादा किया था कि ठीक है नीलोफर, हम शकीलुद्दीन से और जमील अख्तर से, इन लोगों से बात करेंगे, तुम्हारा जो पैसा है इसके लिए भी और जो हो रहा है उसके लिए भी। मगर काउंसलर ने उसके साथ ये भी कहा था कि एक ईटा भी नहीं लगने देंगे। तो आज मैं खुद आपसे कहना चाहती हूँ कि विदाउट काउंसलर, विदाउट थाना कैसे ईटा लग गया? तो क्या इनके सरप्रस्त मोहम्मद जसीमुद्दीन है? आप मुझसे सवाल नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि सवाल के दायरे में खुद मैं घिरी हुई हूँ। क्या इसका सरप्रस्त थाना है? तो मुझे ये बताया जाए ताकि मैं और भी स्टेप लूँगी। मेरी लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगी। देखिए 4 से 5 तल्ला ऑलरेडी है उस पर, अब टोटल टेनेंट कितने होंगे? तो पहले भी उस पर जो पुराना था वो 32 टेनेंट ऑलरेडी था उस पर, अभी एक और बनने वाला है, ये मैं उड़ता हुआ खबर मेरे कानों में आ रहा है। मगर जो कि एक बात आप याद रखिए, जो ये कहा जा रहा है कि जब बनेगा तो नीलोफर को घर मिल जाएगा, हमको घर नहीं चाहिए। जब मुझे ये पता चल गया है कि वो इल्लीगल मकान है तो मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए जो मैंने अपने हक का दिया है। देखिए हम तो लगातार इस फील्ड में हैं और लगातार सबको ये खबर कर रहे हैं। बाड़ी वाला जो शकील, बहुत अच्छा आपने मुझसे ये सवाल किया है और मैं आपके माध्यम से अपने मैसेज को पहुंचाना चाहूँगी कि आपने जो ये सवाल किया कि और लोग कहाँ जाएंगे, तो आपको ये बता दें कि जब मैंने शकील यानी कि बाड़ी वाले का बेटा, जब शकील से मेरी बात हुई तो उसने ये कहा कि पैसा टेनेंट लोगों के पास में फंसा हुआ है, हिसाब होगा, उसके बाद जिस जिस का पैसा है उसको मिल जाएगा। और रह गया सबका दायित्व, तो हम नहीं लिए भाई। देखिए मेरी आखिरी डिमांड यही है कि मैंने जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ाने के लिए दहार लगाया है और आवाज़ यानी बिनती आरजू मन्नत सब हाईकोर्ट में कर दिया है, ठीक है, मेरा ये कहना है कि यहाँ जो काउंसिलर बैठकर इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं इनको बंद करें और गरीबों के साथ ना खेले। और इसलिए खेलने मना कर रही हूँ, आपको याद है आज से कुछ दिन पहले आप ही तमाम मीडिया ने दिखाया था 65 टूटा था, 61 ये तोड़ा गया था। तो इस पे एक जो विकलांग यानी जो हैंडीकैप थे उन्होंने भी अपना फ्लैट बुक किया था, तो वो भी काफ़ी रो रहे थे। तो हम देख रहे हैं क्यों ना नीलोफर जो ये आवाज़ उठाई है इस पे हम सब मिलके, ये क्या ये मैसेज क्यों दे रहे हैं? हम ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ जो इल्लीगल करके आप पब्लिक को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो अहमक बनाया जा रहा है, इससे आप तमाम लोग सावधान हो जाएं, किसी और गरीब को 39 नंबर वार्ड में पैसे ना लगाएं, इसलिए मेरी आवाज़ है।